हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मल्टी हीरोज लाइफ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे क्यों होता है कुष्ठ रोग और कैसे किया जाए इसका इलाज। साथियों, हम इस चैनल में आपके लिए आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय लेकर आते हैं और हम जो भी जानकारियां और नुस्खे आपको बताते हैं वे पूरी रिसर्च और एक्सपर्ट्स की राय से होते हैं, ताकि आप हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहें। यदि आप चाहते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड जानकारियां आप तक पहुंचती रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों, कुष्ठ रोग, जिसे आमतौर पर हैंसन्स रोग कहा जाता है, इसका कारण धीमी गति से विकसित होने वाला एक जीवाणु है जो माइक्रोबैक्टीरियम लिप्री कहलाता है। इस रोग में त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है, त्वचा पर ऐसी गांठें या घाव हो जाते हैं जो कई सप्ताह या महीनों के बाद भी ठीक नहीं होते। इसमें तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिसके चलते हाथ और पैरों की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और उनमें संवेदनशीलता कम हो जाती है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये रोग मानव स्पर्श से फैलता है, लेकिन वास्तव में ये रोग इतना संक्रामक नहीं है। ये रोग तभी फैलता है जब आप ऐसे मरीज के नाक और मुंह के तरल के बार बार संपर्क में आए जिसने बीमारी का इलाज ना कराया हो। बच्चों में वयस्क की तुलना में कुष्ठ रोग की संभावना अधिक होती है। जीवाणु के संपर्क में आने के बाद लक्षण दिखाई देने में आमतौर पर 3 से 5 साल का समय लगता है। जीवाणु बैक्टीरिया के संपर्क में आने तथा लक्षण दिखाई देने के बीच की अवधि को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। कुष्ठ रोग का समय पर निदान और इलाज करने से इस बीमारी से बचा जा सकता है, ताकि कुष्ठ रोग किसी अन्य व्यक्ति को ना फैले। इसके अलावा कुछ सावधानियां बरत कर कुष्ठ रोग से बचाव किया जा सकता है। रोग सबसे पहले परिधीय तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है और इसके बाद त्वचा और अन्य उत्तकों, अंगों, विशेष रूप से आँखों, नाक के म्यूकस तथा ऊपरी श्वसन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। निदान और इलाज में देरी के परिणाम घातक हो सकते हैं। इसमें आँखों की पलकें और बोहे के बाल पूरी तरह से उड़ जाते हैं, पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, हाथ और पैरों की तंत्रिकाएं स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति अपंग हो सकता है। दोस्तों, इसमें पैरों में भी गहरी दरारें आ जाती हैं, जिसे फिशर फिट कहा जाता है। इसके अलावा जोड़ों में अचानक दर्द, बुखार, त्वचा पर हाइपोपिगमेंटेड घाव और गंभीर अल्सर भी इसके लक्षण हैं। इसके अलावा नाक में कंजक्शन, नक्सीर आना, नाक के सेप्टम का खराब होना, आइरिटिस यानी आँखों में सूजन, ग्लूकोमा, आँख के रोग, ये सब क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो चलिए, क्या है इसके इलाज, वो भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हल्दी में हाइडेक्ट ऑयल होता है। हल्दी को पट्टी पर लगाकर प्रभावी स्थान पर बांधा जा सकता है। हल्दी से त्वचा की सूजन, रजकाता आदि कम हो जाती है, क्योंकि ये मरहम का काम करती है। दोस्तों, नीम की पत्तियों को पीस कर लेप में प्रयोग करें। नीम में बैक्टीरिया से छुटकारा पाने के लिए उत्तम एंटीसेप्टिक एजेंट होते हैं। पत्तियों के लेप को एक दिन में कम से कम 2 बार प्रभावित स्थान पर लगाएं। बेहतर परिणाम के लिए नीम के पेस्ट में काली मिर्च का पाउडर मिला सकते हैं। इसके अलावा नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से नहाने से भी आराम मिलता है। दोस्तों, कुष्ठ रोग के इलाज के लिए बावची सबसे असरकारक जड़ी बूटी मानी जाती है। बावची के बीजों का पाउडर बनाकर कुष्ठ रोग का इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बावची के पत्तों का पेस्ट बनाकर भी प्रभावित स्थान पर लगाने से कुष्ठ रोग में आराम मिलता है। इससे सूजन कम होती है और व्यक्ति का रोग ठीक होने की प्रक्रिया भी तेज़ होती है। दोस्तों, वीट ग्रास कुष्ठ रोग के इलाज के लिए एक चमत्कारी प्रोडक्ट है। इसके इस्तेमाल से एक रात में ही रोग में आराम महसूस किया जा सकता है तथा 3 महीने में लगातार इस्तेमाल से लगभग कुष्ठ को ठीक किया जा सकता है। वीट ग्रास का पेस्ट बनाकर प्रभावित स्थान पर लगाने से आराम मिलता है। दोस्तों, काल मोगरा का तेल कुष्ठ रोग के इलाज में बेहद लाभकारी है। काल मोगरा के तेल में नींबू की कुछ बूंदें मिलाकर प्रभावित स्थान पर मालिश करने से बेहद लाभ होता है। इस तेल में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो कि घाव को तेज़ी से भरते हैं और बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया क्यों होता है कुष्ठ रोग और क्या है कुष्ठ रोग को ठीक करने का इलाज। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। धन्यवाद।